हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन डॉग्स थिंग्स। दोस्तों, कभी कभी आप सोचते होंगे कि मिलिट्री में ऐसी कौन कौन सी डॉग ब्रीड्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन काफ़ी बारी जब हम टीवी पर किसी एड को या मूवी को देखते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जर्मन शेफर्ड एंड डॉबरमैन डॉग ही देखने को मिलते हैं जो कि सोल्जर्स के साथ बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन ये पूरा सच नहीं होता। जर्मन शेफर्ड एंड डॉबरमैन डॉग के भी अलावा काफ़ी डॉग ब्रीड्स हैं जिन्हें उनकी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन की वजह से इतिहास में और आज भी मिलिट्री सर्विसेज में टास्क दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेंट्री डॉग अपने सोल्जर के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने फुल अलर्ट गार्ड मोड में स्ट्रेंजर की मौजूदगी का उन पर घुर्राकर या भौंककर चेतावनी देता है, और स्काउट डॉग को ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपने हैंडलर को चुपचाप स्नाइपर्स और दुश्मन की मौजूदगी का पता लगा सके और घात लगा सके, और मैसेंजर डॉग को ट्रेन किया जाता है ताकि वो सोल्जर्स के बीच में एक दूसरे तक इंफॉर्मेटिव मैसेजेस पहुंचाने का काम कर सके। और वहीं माइंड डॉग्स का टास्क होता है कि वो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक दोनों तरह के लैंडमाइनर्स, बॉडी ट्रैप और ट्रैप वायर्स का पता लगा सके। और कैजुअल्टी डॉग का टास्क युद्ध के दौरान होता है कि वो जल्द से जल्द जख्मी सैनिकों को सर्च एंड रेस्क्यू कर सके। और टनल डॉग्स का टास्क ये होता है कि सुरंगों में से दुश्मन बलों का पता लगाएं और जल्द से जल्द सोल्जर्स को इन्फॉर्म करें। और लास्ट टास्क एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग्स का होता है कि वह बॉम्ब पर लगे केमिकल को सूंघकर अपने हैंडलर सोल्जर को अलर्ट करे। जैसा कि आप अब यहां तक तो समझ ही गए होंगे कि मिलिट्री सर्विसेज में इन डॉग्स को पेट्रोलिंग के अलावा भी काफ़ी सारे टास्क दिए जाते हैं। तो आइए आगे हम वीडियो में जानते हैं कि किस किस ब्रीड को मिलिट्री सर्विसेज में यूज़ किया जाता है। जर्मन शेफर्ड्स। जर्मन शेफर्ड डॉग के पास वो सारी खूबियां होती है जो एक मिलिट्री डॉग में होनी चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग, लॉयल, हाईली ट्रेनेबल, करेज, एजाइल होते हैं। इवन जर्मन शेफर्ड बहुत भयानक एनवायरनमेंट में भी काम रह लेते हैं, इसलिए अपने इन्हीं खूबियों की वजह से इन्हें दुनिया भर में मिलिट्री फोर्सेज के लिए सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इसलिए ही इन्हें सेंट्री, स्काउट, कैजुअल्टी, मैसेंजर, पेट्रोलिंग टास्क देखने को मिलते हैं। बेल्जियन मेलिनॉइस। बेल्जियन मेलिनॉइस में मोस्ट ऑफ दी वो सारे गुण होते हैं जो इसके कज़न जर्मन शेफर्ड डॉग में होते हैं। बस बेल्जियन मेलिनॉइस में और जर्मन शेफर्ड में फ़र्क होता है तो साइज़ और वेट का। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि साइज़ से क्या ही फ़र्क पड़ेगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वॉर जोन में इनके आकार का बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे कि बेल्जियन मेलिनॉइस उन मिशंस पर भी जा सकते हैं जहां से इन्हें पैराशूट में अपने सोल्जर का साथ युद्ध की स्थिति में छोड़ दिया जाता है, जो कि युद्ध में इनके जर्मन शेफर्ड के गुण प्लस इनके आकार एक बड़ा फ़र्क ले आता है। लैब्राडोर रेट्रीवर्स। आप में से जिस किसी ने भी लैब्राडोर को कभी पाला है वो डेफिनेटली ये चीज़ बता सकता है कि लैब्राडोर की नोज़ की सूंघने की ताकत एक नेचुरली गॉड गिफ्टेड है। इसलिए इनको मिलिट्री सर्विसेज में एक्सप्लोसिव टास्क दिया जाता है जहां ये बॉम्ब पर से केमिकल को सूंघकर अपने हैंडलर को अलर्ट कर देते हैं, और इन्हें सर्च एंड रेस्क्यू के टास्क भी दिए जाते हैं जहां पर वक्त कम होता है और सोल्जर्स को एक अल्ट्रा ऑबिडेंट डॉग चाहिए होता है जो जल्द से जल्द अपने सूंघने की ताकत से जख्मी सैनिकों को ढूंढ कर उन्हें रेस्क्यू कर सके। यॉर्कशायर टेरियर। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये छोटे और क्यूट दिखने वाले डॉग्स मिलिट्री सर्विसेज में कैसे काम कर सकते हैं। ये स्मॉल साइज डॉग्स बहुत ही लॉयल और फियरलेस होते हैं, और इसकी बहादुरी के किस्से से आई एम श्योर कि आप चौंक जाएंगे। वर्ल्ड वॉर के दौरान एक स्मोकी नाम के यॉर्की ने सैनिकों के एक दल को बचाया था। स्मोकी ने एक अर्जेंटली नीडेड टेलीग्राफ वायर को खींचकर एक बेहद डरावने डिस्ट्रॉयड 70 फुट पाइप में से, जो कि दुश्मनों के गोलियों के बीच में से, उस पाइप के अंदर से वायर को खींचकर लाया था, जिससे उन सैनिकों दल की जान बच पाई थी। इन्हें बेसिकली इसी काम के लिए ट्रेन किया गया था कि ये टेलीग्राफ वायर्स को खींचकर बेहद पतले टनल्स में से कम्युनिकेशन के लिए ला सके, जो कि बड़े साइज के डॉग्स भी नहीं कर सकते थे। डॉबरमैन पिंचर। डॉबरमैन पिंचर US मरीन आर्मी की वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान से फेवरेट ब्रीड रही है, इसलिए इनको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से डेविल डॉग ऑफ द मरीन्स का नाम दिया गया है। इनकी इंटेलिजेंसी, इजी टू ट्रेन एबिलिटी और अलर्टनेस इनको स्काउट डॉग टास्क और पेट्रोल डॉग टास्क के लिए परफेक्ट डॉग बनाती है, इसीलिए इनको आज भी US मरीन्स में यूज़ किया जाता है। रॉटवाइलर्स। रॉटवाइलर्स डॉग ब्रीड को दोनों ही वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 में एज अ मैसेंजर टास्क के लिए यूज़ किया गया था। उस वक्त जब टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी, कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, तो सोल्जर्स को रॉटवाइलर पर निर्भर होना होता था, और रॉटवाइलर्स को भी हर तरह के खतरे और मुश्किल रास्तों से गुजरकर हर हाल में इंफॉर्मेशन को पहुँचाना होता था। इनका टास्क ग्रुप भी मैसेंजर डॉग में आता था, बट जब आज के टेक्नोलॉजीज काफ़ी बढ़ चुकी है तो थैंकफुली रॉटवाइलर्स को खुद बैटलफील्ड में नहीं उतरना पड़ता है इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। बॉक्सर डॉग। बॉक्सर डॉग काफ़ी अलर्ट और स्ट्रेंजर पर कड़ी निगरानी, प्रभावशाली फुर्तीलेपन की वजह से इनको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान मिलिट्री सर्विसेज में काम मिला था।
बॉक्सर डॉग ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में एज ए मैसेंजर डॉग, स्काउट डॉग और पेट्रोल डॉग की सभी तरह की भूमिकाएं निभाई और आज भी इनकी लॉयल्टी, स्ट्रेंथ और सभी खूबियों की वजह से इन्हें मिलिट्री सर्विसेज में इस्तेमाल किया जाता है। जायंट श्नाउजर। जायंट श्नाउजर को 1940 में जंग के दौरान सोवियत यूनियंस के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। सोवियत यूनियंस ने ही जायंट श्नाउजर ब्रीड को एज अ परफेक्ट मिलिट्री डॉग के लिए डेवलप किया था। इस ब्रीड में एक तरह की खास पर्सनैलिटी है और ये अजनबियों के लिए काफ़ी अलर्ट भी रहते हैं, इसीलिए सोवियत सोल्जर्स इन्हें रात के वक्त अपने साथ पेट्रोलिंग के लिए लेकर जाते थे। ये इतने ज़्यादा अलर्ट होते हैं कि अपने हैंडलर्स को बिना अलर्ट किए किसी घुसपैठिए को घुसने तक नहीं देते थे। अलास्का मैलाम्यूट्स एंड हस्कीज। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान युद्ध सिर्फ खुले मैदानों और जंगलों तक ही नहीं होता था, बर्फीली जगहों पर भी होता था और ऐसी ठंडी जगहों पर आप हस्कीज और अलास्का मैलाम्यूट्स को अपनी तरफ ही चाहोगे। जब यूएस के कुछ वॉर प्लेन्स ग्रीनलैंड की बर्फीली जगहों पर क्रैश हो गए थे तो यूएस को मालूम था कि उन्हें स्पेशल तरीके की डॉग्स की जरूरत पड़ेगी इन बर्फीली जगहों से एयरमैन को रेस्क्यू करने के लिए। इसलिए यूएस मिलिट्री ने हस्कीज और अलास्का मैलाम्यूट्स को ग्रीनलैंड की उन बर्फीली जगहों में से यूएस एयरमैन को सर्च एंड रेस्क्यू करने का टास्क दिया था। एयरडेल टेरियर। एयरडेल टेरियर्स अपने हैंडलर्स से ऑर्डर्स लेकर अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। इनकी अजनबियों के लिए नेचुरल सस्पिशियस इनको पेट्रोलिंग टास्क में माहिर करती है और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान इनकी अच्छी सूंघने की शक्ति की वजह से इन्हें सर्च एंड रेस्क्यू में यूज किया गया था, इसीलिए आप इन्हें इनके साइज की वजह से जज ना करें क्योंकि मिलिट्री सर्विसेज में हर साइज के डॉग्स बराबर का योगदान देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो टॉप 10 मिलिट्री डॉग्स के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी भी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम नमस्ते एंड जय हिंद।